हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर द मैजिक गार्डन इस चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब बारी है क्वेश्चन एंड आंसर्स की सो लेट्स बिगिन नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डू द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन जो फ्लॉर्स थे वो उन लिटिल चिल्ड्रन को इतना प्यार क्यों करते थे सो द रीजन वॉज आप जानते होंगे क्योंकि जो बच्चे थे दूस टू ब्रिंग देअर वाटरिंग कैंस वो अपनी वाटरिंग कैंस ला के उनकी थर्सटी रूट को क्या करते थे पानी देते थे प्लस वो ग्राउंड को भी अच्छे से डिग करते थे आप इसका आंसर ये लिखेंगे द फ्लार्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन एज दे ब्रिंग वाटरिंग कैंस एंड वॉटर देअर थर्सटी रूट उनके जड़ों में वो पानी देते थे अपनी वाटरिंग कैंस ला के इसलिए फ्लावर्स उनको बहुत प्यार करते थे सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बर्ड्स बच्चों को इतना प्यार क्यों करती थी द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम क्योंकि वो उनके लिए ब्रेड लेकर आती थी आते थे दैट इज वाई दे यूज टू लव द चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन मैजिक गार्डन में कौन से पाँच फ्लावर्स ग्रो हो रहे थे जिनके नाम चैप्टर में मैंशन है सबसे पहले है मैरीगोल्ड्स सनफ्लावर्स रोजेस पॉपीज एंड पैंसीज़ ये फाइव फ्लावर्स थे द फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन नेक्स्ट इज वॉट साउंड चिल्ड्रन हेयर इन द गार्डन कौन सी वो साउंड थी जो कि गार्डन में बच्चे सुन सकते थे और मजे की बात ये थी कि उसको सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे सो द चिल्ड्रन कुड हेयर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेरीज इन द गार्डन वो फेरीज के स्वीट सॉन्ग गार्डन में सुन सकते थे आगे आते हैं नेक्स्ट इज टॉक टाइम रोज़ेस आपको एक छोटी सी पोएम दी हुई है रोज़ेस के बारे में आई लाइक like roses मोस्ट Roses आर रेड सम आर वाइट सम आर येलो आर there ब्लू roses? आई हैव नॉट सीन एनी blue roses. Blue roses. Uh, बच्चा कह रहा है कि मुझे रोज़ेस बहुत पसंद है Roses जो है ज़्यादातर रेड कलर के होते हैं लेकिन कुछ वाइट भी होते हैं कुछ येलो भी होते हैं क्या ब्लू रोजेस भी होते हैं आई हैव नेवर सीन एनी ब्लू रोजेस मैंने कभी ब्लू रोजेस देखे नहीं है आपने देखे हो तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश उसका नाम आप इंग्लिश में लिखेंगे जो भी आपको अच्छा लगता है सपोज करिए आपको लोटस अच्छा लगता है तो वो आप यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे से अलाउड अब कुछ वर्ड्स हैं ये आपको बोलने हैं फर्स्ट वर्ड इज लिटिल हैप्पीली स्लिपरी पीपल स्लीपीली Thirsty, purple, proudly, and pretty. Team time. Now what you have to do? Make a flower scrapbook. आपको एक flower scrapbook बनानी है. Five flowers आपको collect करने हैं. जो भी available हो, जैसे यहाँ पर ये पांच flowers किए हुए हैं इन्होंने. Put each flower carefully between the pages of an old book. किसी पुरानी book के pages के अंदर उनको रख दीजिए. Place some heavy books on the top of it. उसके ऊपर कुछ heavy भारी books रख दीजिए. स्टिक द प्रेस्ड ओके वो प्रेस हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए स्टिक द प्रेस्ड फ्लार केयरफुल इन योर स्क्रैप बुक और फिर अपनी स्क्रैप बुक में उनको पेस्ट कर दीजिए जो स्टिक फ्लार्स हैं स्टिक करना है उनको फ्लार्स को जो प्रेस हो चुके हैं अच्छे से राइट द नेम ऑफ ईच फ्लॉर उनमें से हर किसी का आपको नाम भी लिखना है आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड बिल्डिंग नेम टू वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन द गार्डन गार्डन में आपको जो जो चीजें दिखाई देती है उनमें से दो दो के नाम आपको लिखने हैं इंसेक्ट कौन से इंसेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं बटरफ्लाई आपको दिख सकती है लेडी बग आपको दिख सकता है ग्रास हॉपर आपको दिख सकता है ग्रास हॉपर ट्रीज अगर आप गार्डन में जाते हैं कौन से ट्री आपको दिखते हैं दो ट्रीज के नाम आपको लिखने हैं मैंगो और गुआवा मान लीजिए आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं फ्लावर्स दो फ्लावर्स के नाम आप लिखेंगे रोज एंड सनफ्लावर और कोई भी फ्लावर आप लिख सकते हैं बर्ड्स दो बर्ड्स के नाम आपको लिखने हैं जो आपको वहां पर दिख जाएंगी आराम से गार्डन uh, में स्पैरो एंड क्रो पैरट टूल्स स्पेड जिसको आप फावडा बोलते हैं एंड ट्रॉवल ओके शॉवल भी होता है आप एक्स भी लिख सकते हैं एक्स लिख दीजिए इजी भी रहेगा कुल्हाड़ी जिसे आप कहते हैं ओके okay? तो आप इसके अलावा इनके आंसर्स कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें आपको ट्रीज के नाम लिखने इंसेक्ट फ्लावर्स बर्ड्स क्रूल्स जो भी आपने गार्डन में देखे हो नेक्स्ट इज लेट्स राइट इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन सोचिए कि आपका एक बड़ा सा गार्डन है ना वॉट वुड यू वॉट वुड इट लुक लाइक वो कैसा लगेगा उसके पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है अपनी इमेजिनेशन से आपका जो गार्डन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे आगे आते हैं वॉट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन आप अपने गार्डन में क्या क्या चीज़ें उगाना पसंद करेंगे राइट थ्री सेंटेंसेज गिविंग द नेम ऑफ फ्लावर्स दैट यू माइ लाइक टू ग्रो इन द गार्डन आप अपने गार्डन में क्या क्या चीजें ग्रो करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैं अपने गार्डन में क्या ग्रो करूंगा तीन फ्लावर्स फर्स्ट फ्लॉर लिख दी आई वु ग्रो रोजेज इन माई गार्डन आई वुड ग्रो सन फ्लावर्स इन माई गार्डन आई वुड ग्रो डेजीज डेजी के फ्लॉर्स रोजेज के फ्लावर्स एंड सन फ्लावर्स में ग्रो करूँगा उसके अलावा आपको जो भी फेवरेट फ्लावर हो वो आप लिख सकते हैं आप ही का गार्डन है ये सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट एंड क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी वेट फॉर दैट टू कम